जंगल करीब होने की वजह से ना, जंगल साथ है, जंगल है, ये पहाड़ है, और इस वजह से ना ये देखें ना आप कितने ज़्यादा, ये जैसे कबूतर हमने उड़ाने हैं ना तो इन्होंने जनाब ना अटैक शुरू कर देना। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऊपर से भी निकल आते हैं, और साइड से ये देखें ना, इस तरफ पहाड़ी इलाका है ना, इधर बॉर्डर लाइन है, साउथ इंडिया है और बॉर्डर है, इधर से आपके सामने अगर आपका कबूतर ये बाज बैरी ले जाए ना तो दुख ज़्यादा होता है। परों को बोल, जमाना उड़ान देखता है। उसी तरह सुनिएगा दोस्तों, जी सकी, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अस्सलाम वालेकुम, इसको सब दोस्तों को अपने स्पोर्ट्स पकड़ने की ट्राई किया इसको पकड़ने का, लेकिन मसला ये है कि ये ना जैसे ही ऊपर आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल खैर पकड़ना तो है इसको, छोड़ेंगे तो नहीं अभी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक दो बार, अब असल में अब फायदा ये है ना कि आसपास कोई छत भी नहीं है कबूतरों के पकड़ने के लिए, उड़ाते भी हैं ना जी। कल भी हमारे एक दो कबूतर उड़े हैं सेकंड टाइम, एक तो बाज ले गया फिर से। अरे कहना क्या चाहते हो? और दूसरा आया ही नहीं, यानी कि वो भी उसका कोई समझ नहीं चली किधर गया है किधर नहीं गया। और जो कल हमारी मादी आई थी वो परसों गई हुई थी इंडिया, या मसलन के इस जंगल इस पहाड़ों की तरफ ये क्रॉस कर गई थी बॉर्डर लाइन। लेकिन ये है कि कल मैंने जब कबूतर अपने उड़ाए हुए थे तो वापस आ गई थी। ये देखें आप, ये इन वीडियो में आएंगे, देखें कितने ज़्यादा लगड़बाज हैं इधर। अभी क्या बंदा उड़ाए कबूतर, बलि देनी है और तो कोई चक्कर नहीं है। ये देखें कितने ज़्यादा आ चुके हैं ये, और ये क्योंकि जंगल करीब होने की वजह से ना, जंगल साथ है, जंगल है, ये पहाड़ है, और इस वजह से ना ये देखें ना आप कितने ज़्यादा, ये जैसे कबूतर हमने उड़ाने हैं ना तो इन्होंने जनाब ना अटैक शुरू कर देना। ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऊपर से भी निकल आते हैं, और साइड से ये देखें ना, इस तरफ पहाड़ी इलाका है ना, इधर बॉर्डर लाइन है, साउथ इंडिया है और बॉर्डर है, इधर से जनाब इन्होंने इधर इनको पूछने कुछने का चक्कर को नहीं। अभी देखें ना कैसे कतारों में जा रहे हैं, तो कबूतर इधर साथ लगता है ना हमारे इधर कड़ियाँ वाला गुजरात, और साथ में इधर यानी कि पंजाब लगता है उधर से, फिर ये अभी जा रहे हैं मिशन पे। अभी ये देखें ना आप कितने ज़्यादा हैं ये सारे ना, अभी इनको पता है इधर तो नहीं उड़े हुए लेकिन पंजाब पाकिस्तान वाली साइड पर कबूतर ज़रूर उड़े हुए हैं, इस वजह से ये अभी इनका रूट जो है ना बिल्कुल पाकिस्तान पंजाब की तरफ है। ये वीडियो में आ रहे हैं, अब चेक करें इनको। तो इन्होंने अब ऐसे जनाब सुबह सुबह तो नहीं है, अभी तो 11:30 का टाइम हो गया, तो अभी ये जा रहे हैं अपने मिशन पे और लेके आएंगे अपने लिए सामान, बच्चों के लिए सामान। और इधर देखे ना सामने, अभी आपको नज़र आ रहे होंगे, अभी ये ना डिस्कशन कर रहे हैं कि किस साइड पर जाया जाए, और अपनी डिस्कस के दौरान ये ना कर लेंगे फैसला कि आज जनाब एक ने एक तरफ जाना है, दूसरे ने दूसरी तरफ जाना है, और 6-7 एक तरफ जाएंगे। खैर कोई नहीं, चलते हैं, शौक करना हो तो फिर इन चीज़ों से कोई नहीं। हाँ दुख ये इस चीज़ का होता है, अगर आपका कबूतर मर जाए ना तो दुख होता है, अगर ऊपर से चला गया ना आपको नहीं पता क्या चीज़ लेके गई है, कोई दुख नहीं होता। लेकिन अगर आप और अगर वो उसको उसका सर काट के या उसको वो डैमेज करके गिरा दें, वो बेचारा छूट के आ भी जाए तो यकीन करें इतना दुख होता है। कंट्रोल कंट्रोल, खैर चलते हैं ऊपर और इसको पकड़ते हैं और वीडियो करते हैं, एंड छोटी वीडियो बनाऊंगा मुख्तसर सी, और जो आपको देख के मज़ा भी है। अभी चलते हैं और इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। आ गए ऊपर जाल पे, अभी कैमरे को इसको फ़ोन को करते हैं एडजस्ट।
ये देखे ना, अभी ये काफ़ी हाइट पे चली गई है और इतनी तेज़ है ये, यकीन करें कि ये ऐसे अभी ये बिल्कुल वाटर क्रॉस करके ना दोबारा आई है। अब ये उस तरफ उड़ने लग पड़ी है, ये देखें आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ तो रही है। बहुत तेज़ मादी है जी, बहुत तेज़ और तूफानी मादी है। नीचे कोशिश की है इसने, यानी कि ना जैसे ही इसके करीब लेके जाता हूँ स्टीपीएल, तो ये जनाब उड़ जाती है, उड़ के तो ये जनाब वाटर क्रॉस ही कर जाती है। अभी ये आ रही है, फिर कोशिश करता हूँ कि पकड़ने की, लेकिन इसने बड़ी मुश्किल से ही पकड़वाना है। अभी ना हमें फ़ायदा ये है, उसकी बड़ी वजह ये है ना, गर्शाती कोई नहीं आया, और इस यानी दो दो किलोमीटर तीन तीन किलोमीटर आगे पीछे किसी ने कबूतर ही रखे हुए, या इधर मैंने रखे हुए हैं अपने इधर गांव में, और या मैंने कबूतर रखे हुए हैं उधर, ये आ गई है जी, फिर आ गई है। अभी फिर एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मादी बड़ी ये जुनूनी और तेज़ है, थोड़ी भी तेज़ है, थोड़ी भी काफ़ी कोशिश के बाद आखिर हमने इसको लिया है पकड़। एक बार जी छोड़ी है हमने रस्सी, तो रस्सी छोड़ी है तो ये ना कोई नहीं, रस्सी से ना निकल गई आगे से, इस पर तफे से निकल गई थी और अभी आ गई है, लेकिन बड़ी मुश्किल से पकड़ी है ये। यानी कि वीडियो में आपको तो नहीं पता चल सकता, लेकिन बड़ी कोशिश की है, कम से कम 15-20 बार ये उड़ी है जाल से, जाल के ऊपर से ना 15-20 बार उड़ी है ये। खैर मैं इसको उतारता हूँ नीचे, कोशिश करता हूँ और आपको शो करवाता हूँ। ये भी आई शायद बॉर्डर वाली साइड से, ये अल्लाह खुदा बेहतर जानता है कहाँ से आई है, ये इसके पर हैं बच्चों, इसीलिए ये बार बार कोशिश बेचारी कर रही थी जाने की, लेकिन इससे जाने हो नहीं रहा था। खैर अभी इसको ज़रा दाना शाना डालते हैं, पानी शानी डालते हैं। आप दोस्त ना कमेंट में बताइएगा कि इसको छोड़ दूं या क्या किया जाए इसके साथ। तो दुआओं में, ढेर सारी दुआओं में आप हमें याद रखना। मैं आपका दोस्त जिशान, या पाकिस्तान बॉर्डर वाली छत से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अल्लाह।